नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में चर्चा होने जा रही है यहाँ पे कृषि फसलों के वायदा बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, किस कृषि फसल में आने वाले समय में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे कैसे के व्यू से। देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कैसर सीड का नवंबर वायदा इस वक्त 6340 पर और दिसंबर वायदा 6412 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी करेक्शन है। देख रहे हैं कि कैसर सीड का वायदा बाजार आज काफी दिनों के बाद जो 6000 से लेकर 6100 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया था, आज काफी दिनों के बाद 6300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया है। बात करें यहां से अगर आप बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि बिनौला खल का दिसंबर वायदा इस समय जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 2460 पर है, लगभग 2.25% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की कीमतों के भी अंदर आज एक करेक्शन मोड देखने को मिल रहा है। बिनौला खल की कीमत हमने काफी समय से 2500 के दायरे में कारोबार करती हुई देखी है और अभी ये जो दायरा है ये थोड़ा भी जारी रह सकता है। बात करें यहाँ से अगर धनिया की, तो धनिया का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 8050 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 0.25% की तेजी के साथ। जीरे का नवंबर वायदा देख रहे हैं 14610 पर है, हल्की सी करेक्शन, मामूली सी। और बात करें हल्दी की, तो हल्दी का नवंबर वायदा 7298 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 0.25% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि आज मसालों का वायदा बाजार कुछ हल्की सी करेक्शन के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मसालों की कीमतों में एक त्योहारी मांग का सपोर्ट रहेगा जिसकी वजह से आगे कीमतों में तेजी देखने को मिलती रहेगी। बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 11300 पर 2% की करेक्शन के साथ और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6294 पर है 2.5% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में सुबह के मुकाबले आज कुछ हल्की, शाम के कारोबारी सत्र में कुछ एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। तो अब ग्वार में आगे जाके कैसा रुझान रहेगा, ग्वार में खरीदारी करके चलना सही रहेगा, बिकवाली करके या होल्ड करके, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे ग्वार के ऊपर बात करना चाहूंगा। आपके जो टारगेट्स थे ग्वार को लेकर, आपने बता दिया था कि ग्वार 11000 के भी ऊपर देखने को मिल सकता है। हमने आज सुबह के कारोबारी सत्र में ग्वार गम को 11500 के ऊपर कारोबार करता हुआ देखा। अब देख रहे हैं कि 11200 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, यहां से अब ग्वार गम और ग्वार सीड का वायदा बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा और क्या नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी देखिए, जहां तक ग्वार गम नवंबर वायदा का सवाल है, तो वहां पर हमने 12000 के करीब से भी लेवल देख लिए हैं और नियर मंथ जो एक्सपायरी की तरफ है वहां पर हमने, जैसे आपने बताया, 11400 के ऊपर के लेवल भी देखे थे। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 या 3 सेशन में हमें ये प्रॉफिट बुकिंग जारी रहते हुए देखेंगी। तो जहाँ पर नवंबर वायदा जो है हमको पॉसिबल है कि एक बार 11200 से 11000 तक भी फिसलता हुआ देखे, तो शॉर्ट टर्म में मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल 10000 से 9500 के बीच जो एक पोजिशनल बायस था वो फिलहाल पिछले 2 हफ्तों से हमने लगातार तेजी का रुख देखा है, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। जी, तो यानी कि ग्वार में एक अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ी एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल रुझान, ओवरऑल सेंटीमेंट ग्वार में अभी भी पॉजिटिव ही है, तेजी की तरफ है। अमित जी, बात करें यहाँ से अगर मसाला पैक की, तो मसाला पैक में भी देख रहे हैं आज कुछ सुस्ती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, लेकिन धनिया में देख रहे हैं कि कुछ बढ़त बनती हुई नजर आई है आज। आपको क्या लगता है, मसालों में धनिया सबसे अच्छा और बेहतरीन मुनाफा दिला पाएगा क्या? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि धनिया में हमें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि फिलहाल 8050-8100 के बीच में प्राइसेस सेट कर रही है, नवंबर वायदा भी देखें तो उसके आसपास है, लेकिन आने वाले समय में यही जो प्राइसेस हैं वो 8350-8400 तक जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म यानी 2 से 3 हफ्तों के लिए ऐसा लगता है कि करंट लेवल से करीबन 3 से 4% की तेजी। जी, तो यानी कि करंट लेवल से धनिया के अंदर 900 के पीछे के मेजर सपोर्ट है, अब तक तेजी में रहा जा सकता है। जी,
तो यानी कि देने की कीमतों में अभी करंट लेवल से 3 से 4% की तेजी बनती भी नजर आ सकती है। 8300 से 8400 तक के लेवल्स देने की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। यहीं से हमें जब बात करें अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड हमने काफी समय से 6000 से लेकर 6100 के एक रेंज में कारोबार करता हुआ देखा है। आज देख रहे हैं कि 6300 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अब कैसर में तेजी का रुझान शुरू हो गया, क्या कैसर में यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है? जी, काफी समय के बाद हमने तेजी देखी है। एक दायरे में कारोबार हो रहा था पिछले काफी दिनों से, और ऐसा लगता है कि अब उसी तरफ निकला है। अगर ये दोबारा 6400 के ऊपर निकलता है तो पॉसिबल है कि हम 6650 तक के लेवल भी देख पाएंगे आने वाले कुछ सेशंस में। तो फिलहाल क्योंकि ऊपरी स्तर से हमने प्रॉफिट बुक देखी है, तो हो सकता है कि पहले हम नीचे का रुख आता हुआ देखें, यानी कि 6250 तक, लेकिन वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। एट द सेम टाइम अगर 6400 के ऊपर सस्टेन होने लगता है तो वहां पर भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और टारगेट जो होगा वो 6650। जी, ये सब में जी बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल केक की, तो कॉटन सीड ऑयल केक में आपको क्या लगता है? आज देख रहे हैं कि 2500 से भी नीचे लुढ़क चुका है और 2400 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जी, हमने प्राइस को जो 2700 के रेजिस्टेंस है उसके काफी करीब जाते हुए देखा है, और उसके बाद दोबारा हमने प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी है, और आज 2500 को नीचे ट्रेड कर रही है प्राइस। ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कुछ और समय जारी रहेगी, और हम नवंबर वायदा में करीबन 2400 तक के लेवल भी देख पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म यानी नेक्स्ट 3 से 4 सेशंस के लिए ऐसा लगता है कि करंट लेवल से लगभग 70 से 80 रुपए की और गिरावट बाजार जो है वो दे सकता है। जी, ये समय जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक में आपको क्या लग रहा है कि अब सरसों, सोयाबीन, रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ में क्या करके चलना सही रहेगा, और आगे क्या क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी, देखिए, मुझे लगता है कि सोयाबीन में रिकवरी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमने जब इम्पोर्ट ड्यूटी की कटौती की बात देखी थी तो उसके बाद काफी बड़ी गिरावट देखी गई। जी, और फॉलो थ्रू सेलिंग में भी हमने देखा गया कि 1260 तक के स्तर भी बाजार में छुए थे, लेकिन वहां से एक रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो मुझे रिफाइंड सोयाबीन में पॉसिबल लग रहा है कि दोबारा हमें 1370 से 1380 के दाम दिख पाएंगे। लेकिन जहां तक सीपीओ का सवाल है, वहां पर मुझे लगता है कि सीपीओ में जो अपसाइड है वो लिमिटेड है। करंट लेवल से 1130 के करीब एक रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर जब तक नहीं निकलती प्राइसेस तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, और डाउन साइड में 1080 से 1070 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे सेलोन रैलीज का रुझान लगता है जहां तक सीपीओ का सवाल है। सोयाबीन की बात करें तो हमने सोयाबीन वायदा में देखा है कि अक्टूबर फ्यूचर्स तो आज भी नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो नवंबर वायदा है उसमें थोड़ी हल्की मुनाफा वसूली आई है। मुझे लगता है कुछ और समय ये प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस 5200 के स्तर हमें नवंबर वायदा में देखने मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल रिफाइंड सोया ऑयल में तेजी जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन एट द सेम टाइम सीपीओ और सोयाबीन में ऊपरी स्तरों पे दबाव रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो यानी कि रिफाइंड सोया तेल में हल्की तेजी बनती भी नजर आ सकती है, लेकिन सीपीओ और सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी वाला रुझान आगे भी देखने को मिल सकता है, बिकवाली देखने को मिल सकती है। ये समय जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है, आगे जाके कॉटन में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जिस हिसाब से खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो भी अच्छा है और एक्सपोर्ट्स भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। जी, डेफिनेटली, देखिए ये बैकग्राउंड तो है ही पिछले काफी दिनों से, और हमने पोजिशनल बेसिस पे जो करंट रैली है वो करीबन 25,500 से शुरू होते हुए देखी है, और कंटिन्यूअसली लगभग 31,500 तक के स्तर भी हमने उसके स्तर के आसपास देख लिए हैं। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल जारी है, और ऐसा लगता है कि हालांकि फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस एक बार 29,800 से 29,700 के स्तर देखने मिलेंगे, और उसके बाद दोबारा जो प्राइसेस है वो 32,000 तक के रुख कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्योंकि काफी हद तक डिस्काउंट हुआ है, फंडामेंटल जो पॉजिटिव है, तो एक मुनाफा वसूली जरूरी है, लेकिन ट्रेंड फिर भी बाय बना रहेगा, और निचले स्तरों से यानी 30,000 के नीचे से दोबारा बाइंग उभर के आ सकती है। जी अमित जी, आपसे एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स जानना चाहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है पूरे कारोबारी सप्ताह।
जी देखिए, मेरे हिसाब से फिलहाल डिफेंस ऑयल में यानी नवंबर वाइज अगर देखें तो 1250 के करीब है। यहाँ से लगता है कि एक बार अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस अगर नवंबर वाइज देखें तो 1280 से 1285 तक का मूव दिख सकता है। वही कैस्टर सीड में नवंबर वाइज में मुझे लगता है कि 6400 से 6500 तक के लेवल भी देखने मिलेंगे और लंबी अवधि में एक बार 6650 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। तो मैं फिलहाल रिफाइंड सोया ऑयल और कैस्टर में दोनों ही बाय रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि लेनियर में भी तेजी करके चला जा सकता है। 7859 की जोन में अच्छे सपोर्ट है और अपसाइड में 8350-8400 के लक्ष्य हमें एक हफ्ते से कल कैस्टर में देखने मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि रिफाइंड सोया ऑयल, कैसर, धनिया, इनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने जो लेवल्स दिए आप उन पर इन कमोडिटीज में खरीदारी की रणनीति अपना कर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, लेकिन आपको एंजॉय करेंगे क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।